International brands and smartwatches collection with great offers at Minutes to Style, Station Road, Ajmer, and opposite Suchna Kendra, Jaipur Road, Ajmer. आज किसको टैप किया के? आज भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो स्पेशल यूनिट और इंटेलिजेंस यूनिट अजमेर द्वारा बलवंता और दाता ग्राम की पटवारिया श्रीमती दीप्ति जैन को 20,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। परिवादी श्री सुरेश झिंगर निवासी नसीराबाद ने इसकी भाई की बहू के नाम शीतल के नाम से वीर गांव में एग्रीकल्चर लैंड खरीदी थी। उस एग्रीकल्चर लैंड का म्यूटेशन खुलाने के लिए सुरेश सांकला ने जब पटवारी श्रीमती दीप्ति जैन से संपर्क किया तो इसने म्यूटेशन खोलने की एवज में 40,000 रुपये की रिश्वत की डिमांड की थी। तत्पश्चात सुरेश सांकला परिवादी द्वारा ब्यूरो में रिपोर्ट दर्ज करवाई। रिपोर्ट दर्ज करवाने पर इसका रिश्वत राशि का वेरिफिकेशन करवाया गया तो 40,000 रुपये की डिमांड की गई, जिसमें 30,000 रुपये में इनकी डील फाइनल हुई और 10,000 रुपये इसने 28/9/2020 को ही ग्रहण कर लिए थे। परिवादी की जो एग्रीकल्चर लैंड थी उसके दो म्यूटेशन खोलने थे, दो इसने एक म्यूटेशन तो कंप्लीट कर दिया और दूसरा म्यूटेशन इसने पेंडिंग छोड़ दिया। वार्ता अनुसार पटवारी दीप्ति जैन को आज तहसील अजमेर में उपस्थित होकर इसका जो म्यूटेशन खोलने का जो ऑनलाइन प्रोसेस है उस प्रोसेस के तहत इसका लॉग हटाना था। लॉग हटाने के बाद ही इसका म्यूटेशन फाइनल होता, लेकिन आज ये उपस्थित नहीं हुई। जब परिवादी ने इससे वार्ता की तो इसने कहा कि मैं मेरे पिताजी कमलचंद को भेज रही हूँ और मैं सावित्री कॉलेज के सामने ये आपको मिल जाएंगे। इसने वार्ता कर अपने पिता को वहाँ सावित्री कॉलेज के सामने भिजवाया, जहाँ पर परिवादी से इसके पिताजी ने 20,000 रुपये लेते हुए ACB ने इनको पकड़ा। और वार्ता अनुसार जब पता किया तो ये आरोपिया की जो लोकेशन थी वो नसीराबाद में थी, तो हमारी एक टीम नसीराबाद पहुंचकर दीप्ति जैन को भी राउंड अप कर लिया है और रिश्वत की राशि बरामद कर ली गई और अग्रिम कार्रवाई जारी है।